कॉफी की चुस्कियां लेने वालों को अब जल्द ही हमीरपुर की कॉफी मिल सकेगी, क्योंकि हमीरपुर के हीरानगर में किचन गार्डन के एक शौकीन ने अपने घर में कॉफी के पौधों को लगाया है, जिसमें बकायदा अब फूल निकलने के बाद कॉफी के बीज उगने शुरू हो गए हैं। हमीरपुर में कॉफी के पौधों को उगाने के लिए अनुकूल मौसम होने से कॉफी उत्पादन के लिए एक उम्मीद जगी है। जानकारी के अनुसार हमीरपुर के हीरानगर में दिनेश कंवर के घर में करीब एक दर्जन कॉफी के पौधे लहलहा रहे हैं, जिनमें कुछ दिनों से फूलों के साथ साथ अब बीज भी निकलने शुरू हो गए हैं। हालांकि अब तक चाय के पैदावार के लिए कांगड़ा मशहूर है और कॉफी के पौधे हिमाचल में बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन इस तरह हमीरपुर में कॉफी की पैदावार के लिए वातावरण अनुकूल होने से बागवानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। दिनेश कंवर ने बताया कि बागवानी विभाग ने 2 वर्ष पहले हिमाचल में हमीरपुर के लिए उपयोग के तौर पर कॉफी के पौधे लगाए थे, जिसमें 200 पौधे दिए गए थे, जिनमें से कुछ पौधे घर के पास लगाए गए जो कि अच्छी हालत में हैं, जिनमें अब फूल के साथ बीज भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी कॉफी के पौधे के बारे में बागवानी विभाग के अधिकारियों से बात की जाएगी, ताकि कॉफी के पौधे के उत्पाद को बढ़ाने के लिए काम किया जा सके। गौरतलब है कि ट्रायल के तौर पर बागवानी विभाग द्वारा बांटे गए कॉफी के पौधों को उगाने के लिए किया गया काम सफल होता नजर आ रहा है और अब जरूरत है कि कॉफी के पौधों के लिए उत्पादन के नजरिए से काम करने की, ताकि हमीरपुर में भी कॉफी उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। दिनेश कंवर पेशे से वरिष्ठ पत्रकार हैं और घर में किचन गार्डनिंग का शौक रखते हैं, जिसके चलते ही दिनेश कंवर ने घर में कॉफी के पौधों के अलावा सेब, आम और जैविक पौधों को उगाया है। कॉफी प्लांटेशन एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर प्लांट्स लगाने का एक प्रोग्राम बनाया कि यहाँ का जो मौसम है, जलवायु जो है, वो कॉफी के प्लांट के लिए ठीक लगी। तो उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पर हिमाचल में कहाँ ये हो सकता है, तो हमीरपुर को चुना गया। तो हमीरपुर में उन्होंने जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो मेरे से बात की, तो मैंने भी कहा उनको कि मेरे पास जगह है, लगा देता हूँ। तो मैंने अपने मुझे उन्होंने 200 प्लांट्स दिए, जिसमें से करीब 50 प्लांट्स थे वो मैंने आसपास पड़ोसियों में को बांटे, लोगों को दिए कि आप भी इसको सक्सेस करो प्लांट को। अब वहाँ उनके पास कितना सक्सेस हुआ है वो अभी मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट तो मैंने यहाँ घर के पास गार्डन में, अपने किचन गार्डन में लगाए, जो बहुत एक ही दिन लगाए हैं आप देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह से उनकी ग्रोथ है। वो डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पर सॉइल कैसा है, तो एक तो सॉइल और उसके बाद उस सॉइल की डैम्पनेस, तो ये डैम्पनेस और सॉइल दोनों चीज़ें पौधे को और वहाँ पर उसकी उर्वरता कितनी है, प्लांट फर्टिलाइजेशन और वहाँ मैन्योर कितना है उसको दे रहे हैं, किस तरह से। तो पौधा जो ज़्यादा अच्छे तरीके से जिसकी केयर की गई वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो किया। और आप देखेंगे तो प्लांट्स आप देख रहे हैं अलग अलग साइज के हैं, तो बेस्ट प्लांट जो है एक जो जिस पे है उस इन दो बेस्ट प्लांट्स हमारे पास इस तरह से निकल के आए हैं कि जिनमें अभी 2.5 साल पहले ये लगाए हैं और इस साल लगभग इनको सभी ब्रांचेस पे इन पे फूल आ गया है। तो अब ये आगे फूल जो है फूल कन्वर्ट होना है फ्रूट में, तो फ्रूट में किसने कितना कन्वर्शन होता है और उस फ्रूट का क्या क्वालिटी बनती है, वो सब चीज़ें जब साफ होकर सामने आएंगी तभी विभाग शायद इसके ऊपर, इसके कमर्शियल प्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पर दे सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर ये चीज़ अच्छे से की जाए तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन आ सकती है और एक कैश क्रॉप की तरह एक कॉफ़ी जो है यहाँ पर हमारे यहाँ हमीरपुर के इस मौसम के लिए आ सकती है। दिनेश जी, आपकी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात हुई कि साइंटिस्ट उनके इसमें क्या करें, कैसे ग्राउंड अप? अभी उनके ध्यान में ये चीज़ शायद अभी नहीं दी है, मैंने उनको बताया नहीं है, तो आज मैं जा रहा हूँ उनके पास, तो उनको मैं बताऊंगा कि आपने जो प्लांट्स दिए थे तो उनमें फ्लावरिंग आ गई है, तो आगे इसके ऊपर क्या किया जाना है, क्या इनके ऊपर कोई छिड़काव होना है दवाइयों का या इसको ऐसे ही ग्रो होने देना है, तो वह सारी चीज़ें मैं एग्रीकल्चर और ब्लॉक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में दोनों को उनको ये दिखाना जा रहा हूँ, तो वो देख कर फिर आगे बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि इस प्लांट्स का आगे क्या करना है, ताकि वो फ्रूट बेयरिंग जो है उसकी बेटर हो, ये इस तरीके से ही।